ब्लॉग और वेबसाइट से अर्निंग करने के लिए एडसेंस वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, जिसके माध्यम से आप अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से ही अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग एडसेंस के अप्रूवल लेने में हिस्टेट करते हैं, नहीं सक्सेस हो पाते हैं, कई बार एडसेंस डिसेबल हो जाता है। मैं आपको सही स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप एडसेंस पे अप्रूवल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ टिप्स साझा करूंगा जिसको आपको फुलफिल करना चाहिए। तो आप विद इन 15 डेज, मतलब 7 दिन के कार्य में आप 7 से 15 दिन के भीतर में ही अपनी एडसेंस पे अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो पे आते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। और देखिए लैपटॉप की स्क्रीन पे हम लोग पहले से ही हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको अपना इंटरेस्ट चेक करना है कि आप किस इंटरेस्ट पे आर्टिकल लिख सकते हैं। चूंकि ये एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए तो 15 आर्टिकल में 20 आर्टिकल में भी इंसान एडसेंस अप्रूवल ले लेते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू करने के लिए अगर आपकी इंटरेस्ट बेस पे अगर आपकी निश नहीं होगी तो आप आर्टिकल लिखते हुए थक जाएंगे, फिर बोर फील करेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे। ठीक है, चूंकि इंटरनेट से पैसा कमाना एक लॉन्ग वे है और ये आपकी पेशेंस मांगता है, टाइम की इन्वेस्टमेंट मांगता है या फिर पैसे की इन्वेस्टमेंट मांगता है, तो इस सब चीज़ का कंट्रीब्यूट इस सब चीज़ का जो है ना आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें टाइम तो लगती है अर्निंग करने के लिए। हालांकि इनिशियल टाइम आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो इतनी अर्निंग नहीं होगी कि आप अच्छी खासा इसमें अर्निंग कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना इंटरेस्ट चेक करना है कि आपको फैशन में जाना है, आपको ट्रेवल में जाना है, आपको फिटनेस में जाना है, योगा में जाना है, आपको किस चीज़ में जाना है, किस चीज़ का आर्टिकल लिखना है, ये अपने आप में डिसाइड करना है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको ट्रेवल में जाना है। ठीक है, तो ट्रेवल से एग्जैक्ट मैच करता हुआ डोमेन आपने बुक करना है। ठीक है, बुक करना ही करना है, चूंकि ब्लॉगर की बात हम लोग नहीं कर रहे, हम वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं। वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो कैसे, इससे क्या होता है कि देखिए आपकी माइक्रो निश वेबसाइट होगी और अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता हुआ डोमेन लेते हैं तो यह आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए बहुत मदद करता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है लीन डोमेन सर्च। इस पर अगर आप जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका मेन निश डालिए ट्रेवल, है ना, ट्रेवल के, ट्रेवल से रिलेटेड आपको वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये आपको सजेशन बहुत सारा देगा कि ट्रेवल निश पे अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपकी वेबसाइट कैसी कैसी हो सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारा है, आपको सजेशन देता है, इन सारे सजेशन में आप किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सजेशन है इस तरह करके, और भी नाम, बहुत सारा नाम है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपको ट्रेवल चाहिए। ठीक है, ट्रेवल, चलिए तो ये हो गया कि सबसे पहले आपको नाम चूज़ कर लेना है। नाम चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि तीसरे स्टेप में आपको कम से कम 15 आर्टिकल लिखना है, डिटेल गाइड आर्टिकल आपको लिखना है, डिटेल गाइड आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, अगर आपको आर्टिकल नहीं लिखना आता है तो आप ChatGPT के माध्यम से आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, ChatGPT के माध्यम से आर्टिकल लिखने के लिए आपने क्या करना है कि मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आना है, इस चैनल को फॉलो करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस पे आपको एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेटेड करती हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए इस वीडियो पे मैंने बताया कि मेरी कैसी ChatGPT से लिखा हुआ आर्टिकल कैसे वेबसाइट के टॉप पोजीशन पर रैंक करा, टॉप पेज के सेकेंड पोजीशन पर रैंक करा। देखिए इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो इस वीडियो में ये भी बताया गया है और इसके साथ साथ और वीडियो आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट पर जिसपे बताया गया कि ChatGPT के माध्यम से बिल्कुल ओरिजिनल आर्टिकल आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो जो दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको ChatGPT से आर्टिकल लिखना है, लेकिन डिटेल गाइड आर्टिकल लिखना है। डिटेल गाइड करने का मतलब क्या है कि मेरे साथ साथ मैं आपको यही बोल रहा हूँ, चौथे स्टेप में मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी कमर्शियल आर्टिकल नहीं लिखना है इनिशियल डे में जब आप एडसेंस के लिए अप्रूवल भेज रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखना है। देखिए कि मैं एक वेबसाइट यहाँ पर दिखाने के लिए आपको निकाल लिया, यहाँ पर देखिए हाउ टू रिमूव वाटर स्पोर्ट फ्रॉम कार, ये हाउ टू से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल में देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद ये बताया कि वाटर वॉट आर वाटर स्पोर्ट
वाटर स्पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है, किस कारण से वाटर स्पोर्ट आपके कार में फैल जाती है, कि पूरा इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ वाटर स्टेंस, मतलब कार के अंदर जो दाग जो लग जाती है किस प्रकार की हो जाती है, तो यहाँ इस प्रकार की यहाँ पे दाग के नाम लिखे गए हैं। और यहाँ ही पे देखिए कि अमेजोन के अफिलिएट भी लिंक, यहाँ से अमेजोन की भी अफिलिएट अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अमेजोन वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जिसके माध्यम से घर बैठे भी बहुत ही आसानी से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पर अमेजोन अफिलिएट से रिलेटेड, या देखिए अमेजोन की अर्निंग मैंने यहाँ इस वीडियो में दिखाई हुई है, इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे मैंने $270 की सेल सिर्फ 2 दिन के अंदर में की है। तो अब चलिए आज की भी अर्निंग मैं आपको अगर बता देता हूँ, चूँकि एडसेंस पे मैं काम बहुत कम करता, चलिए एडसेंस की भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या अर्निंग होती रहती है। मेरी एडसेंस पे मैं बहुत कम ध्यान देता हूँ, ठीक है। देखिए एडसेंस से अर्निंग करने के लिए बहुत ह्यूज ट्रैफिक चाहिए, लेकिन लोगों का यहाँ पर क्वेरी आता है कि मुझे एडसेंस से भी करना है। तो ये देखिए एडसेंस से मेरी कितनी $53 टोटल अभी तक हुई है, ठीक है। लास्ट महीने मैंने $104 का विड्रॉल किया था। बाय द वे इसे हम लोग विजिट करते हैं एडसेंस, मैं एफिलिएट मार्केटिंग दिखाता हूँ, चूँकि देखिए मैं एफिलिएट एक्सपर्ट हूँ, मुझे एफिलिएट से अर्निंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, चूँकि कम ट्रैफिक में भी मैं अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ। तो इसमें मैं आपको अमेजोन एफिलिएट की नई अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने 2-3 महीने पहले इस चैनल के साथ साथ चैनल पर देखिए लगभग अभी आपको 49 वीडियोस ही मिलेगी और 376 सब्सक्राइबर, ये बिल्कुल नई चैनल है। और इसके साथ साथ मैंने अमेजोन के अफिलिएट की अकाउंट शुरू किया था, ये देखिए अभी 2 अप्रैल हुई है, 1 अप्रैल भी गई है, तो साथ साथ में इसके साथ साथ में देखिए कितनी नई अकाउंट में फिर भी अकाउंट में सेल हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की भी सेल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एडसेंस के अलावा आप अफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग से भी बेहतर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, चूंकि ये नई अकाउंट है तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा अर्निंग तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मोटिवेशन बूस्ट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए $305 की आज की अर्निंग हुई है, कल की मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल नई अकाउंट है, 38 क्लिक में $1 की अर्निंग हुई है, जो 1816 की अर्निंग हुई है, ठीक है, 2.63% की कन्वर्जन रेट है। चलिए इसे हम लोग एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में क्या था कि आपको चैट जीपीटी के माध्यम से आर्टिकल लिखना है। चौथे स्टेप में था कि कमर्शियल आर्टिकल आपने नहीं लिखना है, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिखना है। और बीच बीच में आप प्रोडक्ट की ऐड भी सुझा अमेजोन की ऐड भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जब ऐड के लिए अप्लाई करेंगे, पहले नहीं लगाना है, बाद में लगाना है, ठीक है। जब यहाँ पर आप एडसेंस, अब जब आपकी पूरी तरह से लेंदी आर्टिकल होगी, यहाँ पर देखिए कितनी डिटेल गाइड यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर एक और टाइटल है, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्पोर्ट, मतलब ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वगैरह भी लिखा गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वगैरह आपको भी लिखना है। कैसे लिखना है पूरा डिटेल गाइड इस वीडियो में, सारे वीडियो में दिया गया, तो आपको फॉलो करना है चैनल को। अगर देखिए कि अगर मैं सभी चीज़ को एक एक चीज़ को वापस से बताने लगा तो बहुत ज़्यादा लंबी टाइम हो जाएगी। अब चलिए मैं क्विक में आपको बताता हूँ कि अगर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो ये सब करना कि इस मेन टाइटल समझिए कि मेन टाइटल ये है और इसी टाइटल पर आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ देखिए ये है, इस चीज़ को आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे देखिए ये सब जो ऐड हो रही है, जो आ रहा है इसको भी ऐड कर सकते हैं, या चैट जीपीटी में जाते हैं और चैट जीपीटी में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है राइट FAQs ऑन और आप उसके बाद आपका जो भी मेन टाइटल है, जो भी मेन कीवर्ड है, इसे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं और चलिए इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए बहुत सारे कीवर्ड, बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आपको चैट जीपीटी लिख के देता है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने कॉपी करना, अपने आर्टिकल में ऐड करना है, ऐड नॉर्मली नहीं करना है, सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वरना गड़बड़ हो सकती है। चैट जीपीटी की आर्टिकल अक्सर आर्टिकल जो है प्लगराइज आर्टिकल होती है, ठीक है। तो कैसे चैट जीपीटी के आर्टिकल को यूनिक बनाना है, मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक मैं वीडियो के टॉप कॉर्नर पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दिया करूंगा, ठीक है। तो अब यह देखिए इतने सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, जिस तरह इस भाई साहब ने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, यहाँ पे ये वाली को कहाँ गया, एक मिनट, वीडियो भी है इनका, ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, इस तरह करके आप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बंद करते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आपने कैसे जनरेट किया है। उसके बाद देखिए कम से कम आपने क्या करना है, चलिए मैं अपनी वेबसाइट पे आपको चल के बताता हूँ, नेशनल मिलन पे। अब 5वें पॉइंट में आपने क्या करना है कि लगभग आपको 4-5 कैटेगरीज यहाँ पे बनाना है। देखिए मेरे पास पोर्टफोलियो है, कोर्स है, टूल है, ब्लॉग है, अबाउट अस, यहाँ पे देखिए 6 मीनूज़ है मेरे पास, ठीक है। और आपने क्या करना है कि 4-5 मीनूज़ बनाना है और 4-5 मीनूज़ में सभी में आपने 3 दिन पोस्ट ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी ट्रेवल निश है, ठीक है, या फिर फैशन निश है, तो देखिए फैशन निश के अनुसार क्या हो सकता है, यहाँ पे टॉप कॉर्नर पर आपकी मेन मिनी होगी,
फैशन फॉर वोमेन, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज होगी, टी शर्ट फॉर वोमेन, पैंट्स फॉर वोमेन, इस तरह करके मेन मेन्यू, फिर यहाँ पे होगी फैशन फॉर मेन, उसके बाद फैशन जींस फॉर वोमेन, टी शर्ट फॉर मेन, इस तरह करके फैशन फॉर किड्स, टी शर्ट फॉर किड्स, टी शर्ट फॉर, इस तरह करके चार पाँच मेन्यू आपने बताना है, बनाना है, और सभी मेन्यू में तीन तीन कैटेगरीज आपने ऐड करना है, ठीक है। और सभी में जितने भी मेन्यूज आप बताएंगे बनाएंगे, सभी मेन्यूज में कम से कम तीन पोस्ट आपने ऐड करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पांच पॉइंट। इस तरह करके आप लगभग लगभग एडसेंस अप्रूवल के जो भी मीट, जो भी कैटेगरी होता है उसको मीट कर चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत अहम चीज़ है जो छठे पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी मैंडेटरी पेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी या डिस्क्लेमर, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन ये सब चीज़ को आपने ऐड करना है। अगर आप जाएंगे यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे और यहाँ पे देखिएगा कि पेजेस फॉर ब्लॉगर के लिए मैंने पेज बनाने के लिए बताया था, हालांकि ये देखिए इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एडसेंस अप्रूवल के लिए कौन कौन से पेजेस की जरूरत पड़ती है और आप कैसे सेटअप करते हैं, इस चीज़ को आप इस वीडियो को आप फॉलो कर देंगे, ठीक। इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर इस चैनल पर भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पेजेस आपने बना लेना, जो भी छः पेज यहाँ पे बता रहा हूँ सभी पेजेस को आपने बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर अब मान लीजिए कि जिस तरह करके आपकी एक पोस्ट है यहाँ पे हाउ टू रिमूव वाटर स्पोर्ट फ्रॉम कार स्पोर्ट्स फ्रॉम कार, तो आपने इस आर्टिकल पे लिख लिया आपकी, जैसे कि आपकी जो फैशन बिजनेस पे जो आर्टिकल थी तो फैशन बिजनेस पे आपने मेन टाइटल लिख लेना है, ठीक है। और उसको उस पर पोस्ट आपने डिटेल गाइड लिख लेना है। डिटेल गाइड का मतलब मैंने बताया था जो भी चीज़ कवर हो सकती है यहाँ पे सभी को कवर आपने करना है, जिस तरह करके व्हाट इज व्हाट काउजेज टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स वगैरह करके, बेनिफिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स करके, या फिर उसको सुझाना करके, बहुत सारी चीज़ आपने ऐड करना है, ठीक है। क्या क्या ऐड करना है आपने यहाँ पे देखिए गूगल पे भी जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप व्हाट्स माई सब अगर आपने कीवर्ड ये एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है तो आपको ये सजेशन देगा कि कौन कौन सा सब कैटेगरीज वगैरह या सरनेम्स वगैरह जिसकी सर्च होती है, तो उसके अनुसार आपने वेबसाइट पे और भी सब टाइटल्स के रूप में ये सबको ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये कर सकते हैं, और इसको इस यहाँ पे जाएंगे सेकंड सब टाइटल में ऐड कर देंगे, फिर उस पर भी पोस्ट लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको और पूरी तरह से डिटेल गाइड कर सकते हैं। और जब आप पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, पोस्ट लिखते हैं तो आपको यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। और चलिए मैं आपको यूट्यूब पे जाके बताता हूँ, यूट्यूब पे जाना है और मान लीजिए कि ये पोस्ट आपकी है और हाउ टू रिमूव स्पोर्ट फ्रॉम कार, ठीक है। चलिए मैं आपकी निश्चय हिसाब से बता देता हूँ, बेस्ट हाउ टू साइज शर्ट फॉर ओमेन, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि इस चीज़ पे आपने आर्टिकल लिखा, अब ये चीज़ पे देखिए ये लेडीज शर्ट को मेजरमेंट किया है, क्या करना है आपने इसके कॉपी लिंक करना है और आपको अपने पोस्ट पर ऐड कर देना है, कहीं ना कहीं जहाँ पे फिट हो सकती है, जहाँ पे आपने साइज का मेजरमेंट के बारे में बताया होगा, जिस तरह मैंने भी देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए मैंने भी ये वीडियो ऐड किया हुआ है, ठीक है। उस तरह करके आपको वीडियो ऐड करना है। देखिए आपकी वेबसाइट अभी फ्रेश है, लेकिन जब यूट्यूब पर रिकमेंडेशन लेते हैं ना तो यहाँ पर आपके एडसेंस अप्रूवल की चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने पोस्ट रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आपको यूट्यूब में मिलता है उसको इम्बेड कर देना है, ठीक है। अब फाइनली आपके पास सात दिन के बाद जब सब चीज़ आपने पूरा कर लेना है, जैसे कि नीश आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप एग्जैक्टमेंट मैच डोमेन आपने बुक कर लिया, फिर 15 आर्टिकल आपने लिख दिया सात दिन में, दो दिन में दो आर्टिकल करके, उसके बाद आपने इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल सारा लिखा है, कमर्शियल आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और कम से कम चार पाँच कैटेगरीज आपने बनाया, जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया है, जिस तरह मैंने भी यहाँ पर भी इस वेबसाइट पर भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने चार पाँच कैटेगरी लिख देना और एक भी कैटेगरीज खाली नहीं होना चाहिए, सभी कैटेगरीज में कम से कम तीन चार पोस्ट आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जब एक सप्ताह हो जाती है तो आपने फाइनली गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेजना है। मतलब 99% चांस है कि आपकी एडसेंस अप्रूवल
हो जाएगी, ठीक है। किसी भी कारण जैसे कि क्वालिटी कंटेंट आपने नहीं लिखा, जैसे कि चैट जीपीटी के माध्यम से लिखा और चैट जीपीटी भाई साहब जो भी आर्टिकल दी कि उसको आप कॉपी पेस्ट करके सीधा पेस्ट कर दिया, अलग ऐसे करेंगे तो ये एडसेंस अप्रूवल नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इस चैनल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो पिछली वीडियो मैंने जो बताया था कि इस पर चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करके आप आर्टिकल ऑर्गेनिक आर्टिकल कैसे लिखेंगे, देखिए चैट जीपीटी ऑर्गेनिक आर्टिकल नहीं देता है, उस आर्टिकल को ऑर्गेनिक बनाना होता है, ठीक है, एसईओ फ्रेंडली बनाना होता है। कैसे करेंगे ये मेरी वीडियोस देख के ही आपको मालूम चलेगा, जिसमें आप गो थ्रू करेंगे यहाँ पे चैट जीपीटी के माध्यम से, कोई ना कोई आर्टिकल मैंने लिखा हुआ होगा तो उसको आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई तो आर्टिकल वीडियो बनाया था आपके लिए, ठीक है, मैं इसको उसका लिंक आपको इस पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देखेंगे तो जो आर्टिकल आपको चैट जीपीटी दे रहा है उसको बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली आप कर सकते हैं, यूनिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सब आपने कर लिया तो आप फाइनली आपने क्या करना है कि मैंडेटरी पेज बनाने के बाद आपने वीडियो एम्बेड कर दिया, उसके बाद आपने फाइनली 7 दिन के बाद वीडियो इसके लिए एडसेंस के लिए अप्रूवल कर दिया। अगर अप्रूवल हो गई तो ठीक है, अगर किसी भी कारण 1% चांस है कि अगर नहीं होती है, अगर नहीं भी होती है तो आपने क्या करना है कि कम से कम 20 से 21 दिन आपने वेट करना है, ठीक है। और उस ब्लॉग पोस्ट में, अगर आपके ब्लॉग पोस्ट में 5 सेक्शन हैं तो उसमें एक दो सेक्शन और भी एक सेक्शन और ऐड कर लेना है, सब मेनू वगैरह एक और ऐड कर लेना है, और उस पर कम से कम 3-4 पोस्ट और ऐड कर लेना है, और सभी पोस्ट में सभी मेनू में एक एक पोस्ट और ऐड कर देना है, ठीक है। टोटल मिला के 8-10 पोस्ट आपने और लिख लेना है 21 दिन के बाद, जब आप इसे वापस अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो फाइनली आपकी अप्रूवल हो ही जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और है जो एडसेंस अप्रूवल बाय द वे अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपने क्या करना है कि देखिए ये आपकी वेबसाइट है, मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट की लेआउट आप देख लीजिए कैसा वेबसाइट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसका लेआउट ही चेंज कर दीजिए, थोड़ा मेन्यू दे दो कर दीजिए, थोड़ा सा लोगो चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा इसका कस्टमाइज बेहतर और कस्टमाइज कर दीजिए, उसके बाद आर्टिकल मेन्यू के हिसाब से 2-4 और लिख करके फिर क्या कहते हैं इसको अप्रूवल के लिए भेजिए, 100% आपकी एडसेंस अप्रूवल हो जाएगी। 7 दिन के अंदर आपकी एडसेंस अप्रूवल हो जाएगी अगर ये सब चीज़ आपको अगर आप अपनाते अपने ब्लॉग पोस्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो का मोटिव यही था कि आप कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिसको फॉलो करते हैं तो आप 7 दिन के अंदर में एडसेंस अप्रूवल करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। तो अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड खास तौर से एसईओ, ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, बिजनेस आइडियाज़ वगैरह बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी। तो इस पे आप कोई भी चीज़ जो आपके नीच से रिलेटेड हो, जो आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, ऐसी वीडियो आपको साथ अगर मैच कर जाती है तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बन सकती है, ठीक है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।